उत्तर प्रदेश में 12वीं के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की पहचान हो गई है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट इंग्लिश पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले के मास्टरमाइंड भीमपुरा के रहने वाले आनंद नारायण चौहान उर्फ मुलायम चौहान और मनीष चौहान हैं। आनंद चौहान और मनीष चौहान के स्कूल से टेम्पर प्रूफ पैकेट से निकला था। आनंद को स्कूल का मैनेजर और मनीष चौहान को प्रिंसिपल बताया जा रहा है। उन पर छात्रों को पास करवाने का ठेका लेने का भी आरोप है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बुधवार को दूसरी पाली में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय का पेपर था। दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है। बाद में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि पेपर की सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई का पेपर बलिया से लीक हुआ और इस सीरीज के पेपर उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में भेजे गए थे। विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने इन 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर जांच के आदेश दिए। आराधना शुक्ला से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि पेपर मजबूती से सीलबंद लिफाफे में था, कोई जानकार ही इसको लीक कर सकता है। इस घटना के बाद डीआईओएस बलिया को सस्पेंड कर दिया गया था। इस मामले में बलिया के डीआईओएस और स्थानीय पत्रकार समेत 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। करीब 1.5 दर्जन लोग बलिया पुलिस और यूपीएसटीएफ की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल खंगाले जा रहे हैं। बाद में बलिया के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी। वहीं 12वीं के पेपर लीक मामले में सियासत भी शुरू हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक ने योगी सरकार को घेरा था। इससे पहले पिछले साल 28 नवंबर को होने वाली यूपीटीईटी परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द हो गई थी। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।